प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का इस्पात संयंत्र भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नगरनार प्लांट से 50,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। ताड़ोकी को रेल लाइन से जोड़ा गया है, इससे खेती किसानी वन उत्पाद को लाने में आसानी होगी। इस क्षेत्र के लोगों को भी आने जाने में आसानी होगी। शत प्रतिशत बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे रेल की स्पीड भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपुर स्टेशन का नाम भी इसी सूची में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में जगदलपुर स्टेशन शहर का प्रमुख केंद्र बनेगा और यहां पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा। बीते 9 वर्षों में राज्य के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता, हर बहन, बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे छत्तीसगढ़ में प्रगति की गति तेज होगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी हम इसी गति से निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का भाग्य बदलने में छत्तीसगढ़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को फिर से बधाई देता हूं। ये छोटा सा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम रहा है तो यहां मैं और ज्यादा बातें बताने के लिए आपका समय नहीं लेता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं दूसरे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बहुत सारे विषय छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए जरूर बताऊंगा। विकास की बहुत सारी बातें वहां मैं छत्तीसगढ़ के नागरिकों से साझा करूंगा। गवर्नर श्री यहां तक आए, समय निकाला, इसके कारण कम से कम राज्य का प्रतिनिधित्व तो नजर आ रहा है। राज्यपाल जी को छत्तीसगढ़ की इतनी चिंता है, छत्तीसगढ़ के विकास की इतनी चिंता है, ये अपने आप में एक सुखद संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबका। नमस्कार।